दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने देखा सूर्या का गुस्सा, केवल 35 गेंदों में ही ठोक दिया वनडे में तूफानी शतक। ताबड़तोड़ चौके छक्के की बरसात कर कैसे सूर्या ने ला दी तूफानी सुनामी। कैसे सूर्या के सामने बेबस नजर आए कीवी गेंदबाज, दिखाएंगे इस धाकड़ बल्लेबाज की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया और इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी। लेकिन अभी तक लोगों ने वनडे में उनका खतरनाक रूप नहीं देखा था, लेकिन दूसरे वनडे में इस खिलाड़ी ने मैदान पर उतरते ही तबाही मचा दी। लगभग हर एक कीवी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने जिस तरीके से तूफानी शतक जड़ा है, उसे देखकर आप भी दिल से सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में जब सूर्या बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे। हालांकि विकेट गिरने का फर्क उनकी बल्लेबाजी पर कुछ खास नहीं दिखा। फर्ग्यूसन की पहली ही गेंद पर सूर्या ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी पारी का आगाज किया। बता दें, सूर्या जब मैदान पर उतरते हैं तो वो खतरनाक ही नजर आते हैं, लेकिन दूसरे वनडे में उनका कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला। फर्ग्यूसन की गेंद पर खाता खोलने वाले सूर्या ने मिचेल सेंटनर की गेंद पर छक्का लगाते हुए स्टेडियम में इस बात का ऐलान कर दिया कि आज उस खिलाड़ी के नाम की सुनामी आने वाली है। दोस्तों, देखते ही देखते सूर्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और महज 15 गेंदों में ही उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया, जिसमें सूर्या ने 4 खतरनाक छक्के लगाए थे और इतने ही चौके भी लगाए। एक तरफ जहां सूर्य कुमार यादव बल्ले से धमाल मचा रहे थे, अब उनको रोकने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने रणनीति बनानी शुरू कर दी। उन्होंने गेंद थमा दी है एक बार फिर से लॉकी फर्ग्यूसन को। उन्हें यकीन था कि उनका ये गेंदबाज सूर्या का विकेट लेने में सफल होगा, पर उनका ये फैसला उन पर इतना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा कीवी कैप्टन को बिल्कुल भी नहीं था। फर्ग्यूसन की पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सूर्या ने शानदार छक्का लगाया। दूसरी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने वापसी की और ऑफ स्टंप के बाहर डालकर वो बच गए। लेकिन उनकी अगली गेंद पर पॉइंट के ऊपर से सूर्या ने एक और छक्का लगाया और 3 गेंदों में 2 छक्के लग चुके थे। वापसी करने के लिए फर्ग्यूसन ने 4थी गेंद बाउंसर डाली और उस गेंद को सूर्या ने सीधे स्टेडियम के बाहर मारा। और अब लॉकी फर्ग्यूसन को समझ नहीं आ रहा था कि वो सूर्या को गेंदबाजी करें तो करें कहां। बता दे दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली भी दंग रह गए थे। उन्हें बल्ले से ताली बजाकर सूर्या की पारी को अप्रिशिएट किया। इसके बाद सूर्या ने फर्ग्यूसन की अगली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए एक ओवर में कुल 5 छक्के ठोक दिए और इसी के साथ इस खिलाड़ी ने 30 गेंदों में ही 92 रन बना लिए थे। जिस तरीके से सूर्या ने तबाही मचाई थी, पूरे न्यूजीलैंड में जैसे मातम का माहौल था। अब शतक के लिए सूर्या को बस 8 रनों की दरकार थी। मिचेल सेंटनर की गेंद पर उन्होंने पहले 2 रन लिया और विकेट के पीछे अपने चिरपरिचित अंदाज में छक्का लगाकर विस्फोटक शतक भी पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने बल्ले का लोहा मनवाया। आपको बता दें, सूर्या ने गदर मचाते हुए केवल 35 गेंदों में ही अपना शतक पूरा किया था। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केवल 60 गेंदों में ही 147 रन ठोक दिए थे और अपनी पारी में सूर्या ने 15 छक्के लगाए थे तो वहीं 8 चौके भी लगाए। दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ऐसे ही तबाही मचा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अगर मौका मिला तो सूर्य कुमार यादव शतक बना पाएंगे या नहीं, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।